गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 11 हिंदी मीडियम। अपना पार्ट टॉपिक चल रहा था ऑक्सीकरणम। कल मैंने आपको ऑक्सीकरण अंक के बारे में कुछ समझा दिया था। आज अपन बात करेंगे सर ऑक्सीकरण अंक निकालने के हमारे पास कुछ नियम होने चाहिए, है ना। उन नियमों की सहायता से ही हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण अंक को ज्ञात कर पाएंगे। समझ वाली बात आपको। तो हम यहाँ से आज चर्चा करेंगे कि ऑक्सीकरण अंक निकालने के कौन कौन से नियम होते हैं बेटा। तो आज हेडिंग लगा दीजिए आप, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के स्वैच्छिक नियम, यानी स्व इच्छा से नियम बनाए गए हैं। इन नियमों पे अपन आज चर्चा करेंगे बेटा। तो देखिएगा, अपन वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, तो लिखते जाइएगा मेरे साथ। पहला नियम ये कहता है कि सर फर्स्ट ए, प्रथम ए है ना एस ब्लॉक का, वर्ग के सभी सदस्य का ऑक्सीकरण अंक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑक्सीकरण अंक, सदैव प्लस वन होता है। याद रखिएगा मेरी बात को। फर्स्ट ग्रुप पीरियोडिक टेबल का कौन कौन होता है बेटा, यहां पे देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। ये सारे प्रथम वर्ग है और इन सब के, चलो सीजियम और फ्रांसियम जो है वो रिलेटिव में आ जाएगा, सीजियम तक की बात करते हैं। ये सारे जितने भी तत्व है, ये जहां पर भी मेटल आपको साथ में किसी के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा, याद रखिएगा मेरी बात को, किसी के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा तो सदैव इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होगा बेटा, प्लस वन होगा। कितना होगा, प्लस वन होगा, ये निश्चित बात है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चाहे पोटेशियम, जैसे मैं कह रहा हूँ NaCl, एक एग्जांपल है NaCl, तो आपको पता है कि सर Na प्रथम वर्ग का है तो इसका सदैव कैसा होगा, प्लस वन होगा। क्यों, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में क्या होता है, अष्टक, हमने कहा था कल बात की थी, अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को दान करते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, दान कर देता है। समझ वाली बात आपने, चलिएगा ये एग्जांपल हो जाए। नाउ सेकंड नियम ये कह रहा है फर्स्ट बी, जहां पर सॉरी सेकंड ए, वर्ग के सभी सदस्य का ऑक्सीकरण अंक सदैव प्लस टू होता है, ये याद रखिएगा। क्या होता है, सेकंड वर्ग है, ये एस ब्लॉक की बात है, एस ब्लॉक के पहले वर्ग की ऑक्सीकरण अंक प्लस वन और एस ब्लॉक के सेकंड वर्ग का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, सदैव प्लस टू। अब कौन आता है, देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सभी के ऑक्सीकरण अंक सदैव अगर किसी के साथ जुड़े हुए और निकालना हो तो स्वैच्छिक रूप से इसको क्या मानेंगे आप लोग, प्लस टू मानेंगे। क्या मानेंगे, प्लस टू मानना, ये याद रखिएगा। तो देखो एस ब्लॉक खत्म हुआ, प्लस वन और प्लस टू, ठीक है ना सर। तो इनको लिखो फटाफट से। थर्ड नियम की ओर चलते हैं कि सर किसी तत्व में परमाणु का ऑक्सीकरण अंक सदैव शून्य होता है, शून्य होता है, ये बहुत अच्छा नियम है। तीसरा क्या कहता है कि सर कोई तत्व है एलिमेंट, जैसे अपन कहते हैं कि आयरन हो गया, है ना, सिर्फ सारा सोडियम हो गया, तो जिसमें एक ही तरीके के जो है वो परमाणु होते हैं उनको अपन तत्व कहते हैं, ये बात हुई थी। और तत्व में प्रत्येक परमाणु का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा बेटा, शून्य होगा, ये याद रखिएगा। जैसे मैं कहूं P4 और फास्फोरस के चार है और चारों का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, तो फास्फोरस का क्या होगा, शून्य। वही जैसे देखो एक एग्जांपल लो, सल्फर एस 8 है ना, 8 सल्फर है, लेकिन इसमें प्रत्येक सल्फर का क्या होगा, सल्फर का शून्य होगा, यानी जो भी तत्व है उसमें परमाणु का ऑक्सीकरण सदैव क्या होगा बेटा, शून्य होगा, ये याद रखिएगा। चलिए अगला लिखिएगा, मुक्त अवस्था में
पाए जाने वाले तत्वों का ऑक्सीकरण अंग कितना होता है? शून्य होता है। जो फ्री भी है, किसी के साथ अटैच नहीं है, उनका भी क्या होता है? शून्य। जैसे मैंने सिर्फ लिख दिया सोडियम, तो इसके साथ कोई नहीं जुड़ा, तो ये शून्य है, ठीक है ना। मैंने क्लोरीन सिर्फ लिख दिया सीएल, कुछ भी निशा साथ नहीं जुड़ा, तो क्या है? शून्य। जो फ्री भी घूमते हैं एलिमेंट, जैसे पोटेशियम हो गया, रुबिडियम, फ्री भी किसको देख गया? देखो यहाँ पर ये किसी के साथ अटैच होगा, बहुत अच्छी बात है यार, यहाँ किसी के साथ अटैच होगा, जबकि यहाँ पर क्या रहेगा? फ्री रहेगा, ठीक है ना सर। तो देखो ये आपके कुछ नियम है, और भी नियम है, अपन बात करते हैं। नेक्स्ट लिखता हूं मैं यहां पर, अगला पॉइंट है आपका कि सर हाइड्रोजन का अपने तत्वों, हाइड्रोजन का अपने तत्वों में या अपने यौगिकों में, सॉरी अपने यौगिकों में ऑक्सीकरण अंग कितना होता है? प्लस वन होता है। हाइड्रोजन का सदैव प्लस वन होगा, लेकिन कुछ अपवाद भी चलते हैं, याद रखिएगा, उनके अपन बात करेंगे। हाइड्रोजन का जो है ऑक्सीकरण अंग कितना होता है बेटा? सामान्य रूप से जो है वो प्लस वन होगा, कुछ अपवाद चलते हैं, तो अपवाद लिखना जरूरी है बेटा। जैसे अपवाद यहां लिखता हूं मैं, अपवाद H2 में, ये तो वही वाली बात, H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंग कितना होता है? शून्य होता है, क्योंकि ये कैसा हो गया? देखो समान विद्युत ऋणता वाले, गलत चर्चा हुई थी, समान विद्युत ऋणता वाले, ठीक है ना सर। दूसरा नंबर वन अपवाद हो गया। दूसरा है हाइड्राइड में, मेटल हाइड्राइड जिसको बोलते हैं, हाइड्राइड में ऑक्सीकरण अंग जो है हाइड्रोजन का वो सदैव माइनस वन होता है। कितना होता है बेटा? ये दो अपवाद देखो पहले तो, कि सर जो भी हाइड्राइड हो, हाइड्राइड का मतलब देखो जैसे NaH, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड है, इसका तो आपको पता है प्लस वन होता है, तो इसका क्या होगा? माइनस वन हो जाएगा, समझ गए। तो एक मात्र ऐसे हाइड्राइड है जिसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंग क्या होता है? माइनस वन होता है। कितना होता है बेटा? माइनस वन, ठीक है सर। ये अपवाद देखो फटाफट से आप लोग, ठीक है। एक और बात करेंगे के सर, अगला पॉइंट लगा के लिखिए कि यौगिकों, कोई भी कंपाउंड दे दिया तुमको, यौगिकों का ऑक्सीकरण अंग उसमें उपस्थित दिख रहा है आपको, उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंक का बीजगणितीय योग होता है। क्या होता है? बीजगणितीय योग होता है, जो सदैव शून्य होता है। समझ में आ रही बात आपको? अभी बता देता हूं हमने क्या कहा। मेरे पास एक यौगिक है जैसे कि MnO4, है ना। अब इसका टोटल जो है ना वो हमेशा जीरो करना है, प्लस ही करना है, मतलब ऐसे सबका जोड़ करनी है कि बराबर में क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। ये याद करना भी सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, कैसे याद किया जाता है कि सर इनका MnO4 का ऑक्सीकरण अंग क्या आ जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आज अपन लोगों ने क्या किया, कुछ नियम पढ़े। क्या नियम थे? पहला, वापस रिपीट कर रहा हूं, समझाते जा रहा हूं। पहला नियम हमने कहा कि सर जो पहला वर्ग है उसका ऑक्सीकरण अंग सदैव प्लस वन होता है। दूसरा जो वर्ग है ना उसका ऑक्सीकरण अंग हमेशा क्या होता है? स्वेच्छा से हमको कितना माना? प्लस टू होता ही है। और ये कब होता है? जब ये किसी के साथ अटैच होता है। नेक्स्ट बार हमने कहा कि सर कोई भी तत्व है उसमें जितने परमाणु है जुड़े हुए जैसे आपस में, तो उसका क्या हो जाएगा? सदैव शून्य हो जाएगा, जैसे फॉस्फोरस का हो गया, सल्फर का हो गया। अगली बात कि कोई भी फ्री अवस्था में किसी के साथ अटैच नहीं है, मुक्त अवस्था से घूम रहा है, तो उसका ऑक्सीकरण सदैव कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन का सदैव ऑक्सीकरण अंग कितना होता है? प्लस वन होता है। कुछ अपवाद जैसे H2 में शून्य होगा, हाइड्राइड में माइनस वन होगा, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्राइड का अपवाद डबल स्टार मार्क करो, सोडियम हाइड्राइड बता दिया,
अगला कह रहा है कि जो भी आपको यौगिक दे दिया उस यौगिक का जो ऑक्सीकरण है सदैव शून्य होता है, मतलब जिसने भी परमाणु उसको उपस्थित है सबका बीज गणित योग होता है और वो बीज गणित योग सदैव कैसा होगा, जीरो, क्योंकि योगी उदासीन। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में अपने कुछ नियम पढ़े, कुछ नियम आपके बाकी हैं, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, फिर उसके बाद ऑक्सीकरण अंक निकालना सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, इनको फटाफट से स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में नोट डाउन करें और इनके ऊपर याद करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।